हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ एचटीएमएल। इस लेक्चर में हम देखेंगे एचटीएमएल कलर्स के बारे में। एचटीएमएल में कलरिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। पहला मेथड है, हम कलर का डायरेक्ट नाम लिख दें, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। एचटीएमएल में अबाउट 140 प्रीडिफाइंड कलर्स के नेम है जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट मेथड है RGBA फॉर्मेट या फिर RGB, जहां पर हम रेड, ग्रीन, ब्लू इन तीनों का डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट कलर फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जिसके जरिए हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज करके कलर डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट मेथड है HSL एंड HSLA फॉर्मेट, जहां पर हम ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस को यूज करके कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या मेथड है? डायरेक्ट कलर का नेम, RGB फॉर्मेट, RGBA फॉर्मेट, A फॉर अल्फा चैनल, जिसके जरिए हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, HSL फॉर्मेट और HSLA फॉर्मेट। यहां पर भी ए का मतलब अल्फा चैनल। अब एक एक करके फॉर्मेट देखते हैं। इसके लिए मैं एक पैराग्राफ यहां पर क्रिएट करूंगा। ओके, अब इसको सेव करके ब्राउजर में ओपन करके देखेंगे। ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ओके, इसे अभी रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अभी एक एक कलर हम यूज करेंगे यहां पर। इसके लिए हम यूज करेंगे कलर प्रॉपर्टी। पहले यूज करेंगे डायरेक्ट नेम से, जैसे कि मैं अगर रेड लिख दूं तो ये रेड हो जाएगा। ब्लू लिखूं तो ये ब्लू हो जाएगा। इस तरह अगर हम RGB फॉर्मेट यूज करेंगे तो कुछ इस तरह यूज करेंगे, RGB ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे। इसका वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से लेकर 255 तक। अगर मैं दूंगा 000 तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कलर का वैल्यू है वो ब्लैक है। अगर मैं दूं 255, तो ये अभी व्हाइट हो जाएगा, तो व्हाइट हो गया तो अब दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बैकग्राउंड, यहां पर अगर मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं तो ये दिखाई देगा। करके देखते हैं, बॉडी स्टाइल एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर, मैं नाम यूज करूंगा कलर का ब्लैक,
अब देखते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है और बैकग्राउंड ब्लैक है। अभी मैं यहाँ पर अगर इसे जीरो कर दूं तो येलो कलर में आ गया, अगर मैं चाहता हूँ ऑरेंज कलर के लिए तो मैं कुछ इस तरह यूज करूँगा 255 100 0 ऑरेंज में आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं RGBA फॉर्मेट। RGBA में हम और एक एक्स्ट्रा वैल्यू यूज करते हैं, A मीन्स अल्फा चैनल, ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज करते हैं। वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, मीन्स 0, इसके बाद 0.1, 0.2 ऐसे करके जाता है। अगर मैं 0 दूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया। 0.5 दूं तो ये पार्शियली दिखाई देगा, और 1 दूं तो ये कंप्लीटली दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट हेक्साडेसिमल, जहां पर कुछ इस तरह यूज करते हैं हम। ये प्रॉपर्टी का नेम, इसके बाद एच, नंबर साइन जिसे कहते हैं, FF, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा व्हाइट कलर। अगर मैं दूं FF 0000 तो ये दिखाई देगा रेड कलर में। अगर मैं कुछ ऐसे दूं 00FF00 तो ये दिखाई देगा ग्रीन कलर में। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हेक्साडेसिमल नंबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट HSL। यहां पर ब्रैकेट यूज करेंगे और ब्रैकेट में पहले यूज करेंगे U के लिए कुछ इस तरह यूज करते हैं, 0 से लेकर 360 तक वैल्यू यूज करते हैं, लाइक 0। इसके बाद सेचुरेशन परसेंटेज में यूज किया जाता है, 50%, और इसके बाद लाइटनेस ये भी परसेंटेज में यूज किया जाता है, 50%। अब इसे सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर के वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाइटनेस बढ़ा दूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर मैं इसे लाइटनेस 50% रखूं और इसे 300 करूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम और एक मेथड यूज करते हैं HSLA। यहाँ पर A अल्फा चैनल है और यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं 0 से लेकर 1 तक, 0, 0.1, 0.2 ऐसे करके 0.9 और 1 तक। अगर मैं दूं 0.5 तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा विथ 50% ट्रांसपेरेंसी। अगर 0 दूं तो ये 100% ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारे मेथड यूज करके हम HTML में कलर्स कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।